Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start another chapter, chapter number 3, the ambitious guest. So chaliye bachche shuru karte hain is chapter ko. One December night, a long, long time ago, a family sat around the fireplace in their home. Golden lights from the fire filled the room. The mother and father laughed, something their oldest daughter had just said. तो बच्चों यहाँ पे दिसंबर का नाइट है, ठीक है, 1 दिसंबर नाइट, काफी पहले की बात है। एक फैमिली जो थी वो कहाँ बैठी हुई थी, फायर प्लेस के पास बैठी हुई थी अपने घर के, ठीक है। गोल्डन लाइट फ्रॉम द फायर लाइट, जो बच्चों फायर लाइट से जो गोल्डन लाइट थी उसने क्या कर दिया, पूरे रूम को फिल कर दिया। और जो मदर और फादर थे वो हंस रहे थे किस पर, जो उनकी बड़ी बेटी ने कहा था अभी जस्ट। द गर्ल वॉज 17, मच ओल्डर देन हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर हु वर ओनली 5 एंड 6 ईयर्स ओल्ड। बच्चों जो लड़की थी जिसके बाद पे उनके मम्मी पापा हंस रहे थे, वो लड़की 17 साल की थी, काफी बड़ी थी अपने दोनों भाई बहन से जो कि 5 और 6 साल के ही थे। अ वेरी ओल्ड वुमेन द फैमिलीज ग्रैंड मदर सैट निटिंग इन द वार्मेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम। और बहुत ज्यादा जो ओल्ड वुमेन थी, जो कि ग्रैंड मदर थी, वो क्या कर रही थी, कोने में बैठकर एक मतलब वार्मेस्ट कॉर्नर में बैठकर रूम के क्या कर रही थी, निटिंग कर रही थी। एंड अ बेबी द यंगेस्ट चाइल्ड स्माइल्ड एट द फायर लाइट फ्रॉम इट्स टाइनी बेड। और तभी एक छोटा सा बच्चा वो अपने टाइनी बेड से उस जो फायर लाइट को देखकर क्या कर रहा था, हंस रहा था। दिस फैमिली हैड फाउंड हैप्पीनेस इन द वर्स्ट प्लेस इन ऑल ऑफ न्यू इंग्लैंड। They had built their home high up in the White Mountains where the wind blows violently all year long. ये फैमिली थी बच्चों, इन्होंने अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली थी इंग्लैंड के, जो न्यू इंग्लैंड के सबसे वर्स्ट प्लेस में। इन्होंने एक घर बनाया था कहाँ पे, व्हाइट माउंटेन्स के सबसे ऊपर बनाया था, जहाँ पे हवा सबसे तेज बहती थी पूरे साल। द फैमिली लिव्ड इन एन अनयूजुअली कोल्ड एंड डेंजरस स्पॉट। Stones from the top of the mountain above their house would often roll down the mountain side and wake them in the middle of the night. बच्चों जो family थी वो काफी ज्यादा unusually cold, यानी बहुत ज्यादा वहां सर्दी पड़ती थी, और काफी वो dangerous spot भी था जहाँ वो family रह रही थी। तो क्योंकि जो stones होते थे बच्चों mountain के top से, वो क्या करते थे, वो उनके घर की तरफ आते थे, और काफी बार वो roll होकर क्या हो जाते थे, उनके घर के जब नीचे गिरते थे तो कई बार उनकी रात को भी नींद खुल जाया करती थी इसी की वजह से। नो अदर फैमिली लिव नियर दैम ऑन द माउंटेन बट दिस फैमिली वॉज नेवर लोनली। कोई और फैमिली वहां उनके आसपास माउंटेन की नहीं रहती थी, बट फिर भी इनकी फैमिली कभी इन्होंने अकेला फील नहीं किया। दे एंजॉयड ईच अदर कंपनी एंड ऑफन हैड विजिटर्स। और इनकी फैमिली एक दूसरे की कंपनी क्या करती थी, काफी इंजॉय करती थी, और अक्सर इनके यहाँ विजिटर्स भी आया करते थे। Their house was built near an important road that connected the White Mountains to the Saint Lawrence River. जो बच्चे उनका घर था वो कहाँ बना हुआ था, एक important road की तरफ बना हुआ था, जो किससे connect था, White Mountains, जो कि Saint Lawrence River से जुड़ी हुई थी। People traveling through the mountains in wagons always stopped at the family's door for a ड्रिंक ऑफ वॉटर एंड अ फ्रेंडली वर्ड। अक्सर जो लोग यहाँ से आया जाया करते थे वो गेट पे रुक जाया करते थे, या तो पानी के लिए या किसी फ्रेंडली वर्ड के लिए। लोनली ट्रेवलर्स क्रॉसिंग द माउंटेन्स ऑन फुट वुड स्टेप इन टू द हाउस टू शेयर अ हॉट मील। समटाइम्स द विंड बिकेम सो वाइल्ड एंड कोल्ड दैट दीज स्ट्रेंजर्स वुड स्पेंड द नाइट विद द फैमिली। यहीं पर बच्चों जो लोनली ट्रेवलर्स हुआ करते थे, जब वो माउंटेन क्रॉस कर रहे थे करते होते थे तो क्या कर रहे थे, वो अक्सर रुक जाया करते थे हॉट मील के लिए, या फिर जब हवा बहुत तेज बहा करती थी तब भी वो अपनी रात यहाँ पे उनके घर के साथ ही, घर में परिवार के साथ ही गुजारा करते थे। द फैमिली ऑफर्ड एवरी ट्रेवलर हु स्टॉप्ड एट देयर होम अ काइंडनेस दैट मनी कुड नॉट बाय। बच्चों जो इनकी फैमिली थी वो हर ट्रेवलर को ऑफर करती थी जो इनके घर पे रहते थे, मतलब क्योंकि इन्हें पता है कि जो मनी है वो काइंडनेस तो बाय नहीं कर सकती ना। ऑन दैट डिसम्बर इवनिंग द विंड केम रशिंग डाउन द माउंटेन, इट सीम्ड टू स्टॉप एट देयर हाउस टू नॉक ऑल द डोर्स बिफोर इट रोड डाउन इन टू द वैली। बच्चों उसी दिसंबर इवनिंग में इतनी तेज हवा बह रही थी कि मतलब आप समझ सकते हो कि जो उनके घर के दरवाजे वगैरह इन सब में भी काफी तेज आवाजें आने लगी। द फैमिली फेल साइलेंट फॉर अ मोमेंट बट देन दे रियलाइज दैट समवन रियली वॉज नॉकिंग एट देयर डोर। तो बच्चों यहाँ पे जब उनके गेट पे मतलब बहुत आवाज आने लगी तो उन्हें पहले लगा शायद हवा की वजह से ऐसा फील हो रहा होगा, बट
फैमिली एक बार शांत हुई और उन्होंने नोटिस करा, रियलाइज हुआ कि सच में कोई गेट पर है। द ओल्डेस्ट गर्ल ओपन द डोर एंड फाउंड अ यंग मैन स्टैंडिंग इन द डार्क। उस जो बड़ी लड़की थी बच्चों, उसने गेट खोला और उसने देखा कि वहां पे एक यंग मैन अंधेरे में खड़ा है। द ओल्ड ग्रैंड मदर पुट अ चेयर नियर द फायर प्लेस फॉर हिम। द ओल्डेस्ट डॉटर गेव हिम अ वार्म शाई स्माइल एंड द बेबी हेल्ड अप इट्स लिटिल आर्म टू हिम। बच्चों जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी उसने एक चेयर दिया फायर प्लेस के पास लगाकर उसे बैठने के लिए। जो बड़ी लड़की थी बच्चों उसने एक वार्म स्माइल दी। एंड जो बेबी था उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे हाथ उठाए उसकी तरफ। दिस फायर इज जस्ट वॉट आई नीडेड द यंग मैन सैड। द विंड हैज बीन ब्लोइंग इन माई फेस फॉर द लास्ट 2 आवर्स। जो यंग मैन था उसने बोला कि यही फायर है जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी, क्योंकि लास्ट 2 घंटे से वो क्या कर रहा था, वो हवा बहुत ज्यादा उसके फेस पे बार बार लग रही थी क्योंकि वो ठंड में कहरा रहा था। द फादर टूक द यंग मैन ट्रेवलर बैग, आर यू गोइंग टू वर्मॉन? द ओल्डर मैन आज। तो बच्चों जो फादर थे उन्होंने यंग मैन का क्या लिया, ट्रेवल बैग लिया। और तभी जो ओल्डर मैन था उन्होंने पूछा कि क्या तुम वर्मॉन जा रहे हो? Yes, to Bergington, the traveler replied. तभी बच्चों ट्रेवलर ने बोला, हाँ बर्गिंगटन की तरफ वो जा रहा है। आई वॉन्टेड टू रीच द वैले टू नाइट बट वेन आई सॉ द लाइट इन योर विंडो आई डिसाइडेड टू स्टॉप। आई वुड लाइक टू सिट एंड एंजॉय योर फायर एंड योर कंपनी फॉर अ वाइल। उसने कहा कि मैं बर्लिंगटन की तरफ जा रहा था बट देखा कि वैले में यहाँ पे लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे आज रुक जाऊं और थोड़ा टाइम आप लोगों के साथ गुजारू। एज ए यंग मैन टूक हिज प्लेस By the fire, something like heavy footstep was heard outside. It sounded as if someone was running down the side of the mountain, taking enormous steps. तभी बच्चों जहाँ young man था वो fire के पास बैठने, मतलब उसने अपनी जगह बना ली, तभी काफी भारी भारी footstep, यानी काफी भारी कदमों की आवाज बाहर सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई भाग रहा है काफी बड़े बड़े स्टेप्स लेकर। द फादर लुक्ड आउट वन ऑफ द विंडोज। तभी जो फादर थे उन्होंने एक किसी खिड़की से देखा, दैट ओल्ड माउंटेन हैज थ्रोन अनदर स्टोन एट अस अगेन। और उसने देखा कि जो पुरानी माउंटेन थी उसने एक और क्या करा, स्टोन उनकी तरफ फेंका। He must have been afraid he would forget him. He sometimes shake his head and makes us think that he will come down on top of us. The father explained to the young man. तभी जो फादर थे वो उस यंग मैन को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि अक्सर हम डर जाते हैं कि ये जो माउंटेन के जो स्टोन है ये कहीं हमारे सर पर तो आके नहीं गिर जाएंगे, हमारे घर पर तो आके नहीं गिर जाएंगे। बट वी आर ओल्ड नेबर्स, ही स्माइल। तभी उसने बोला, पर हम इनके बहुत पुराने पड़ोसी हैं। एंड वी मैनेज टू गेट अलॉन्ग टूगेदर प्रीटी वेल। बिसाइड्स आई हैव मेड अ सेफ हाइडिंग प्लेस आउटसाइड टू प्रोटेक्ट अस इन अ केस स्लाइड ब्रिंग्स द माउंटेन डाउन ऑन आवर हेड। तो तभी जो उनके फादर है वो कहते हैं कि अब हम इनके पुराने पड़ोसी हैं और ऐसा हो भी सकता है इन केस हमने इन सब के लिए क्या कर रखा है, प्रोटेक्शन उन्होंने पहले से ही कर रखी है। As the father spoke, the mother prepared a hot meal for their guests. While he ate, he talked freely to the family as if it were his own. और जैसे ही जब उनके पापा उनसे बात कर रहे थे यंग मैन से, तभी उसी टाइम में जो उनकी मम्मी थी उन्होंने खाना बना दिया गरम गरम। और उसको जो यंग मैन था उसको ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो आउटसाइडर है, उसे ऐसा लगा कि वो अपने परिवार के साथ ही बैठा हुआ है। This young man did not trust people easily. Yet on this evening, something made him share his deepest secret with these simple mountain people. जो यंग मैन था बच्चों ये आसानी से लोगों पे भरोसा नहीं करता था, बट फिर भी इस शाम को उसने क्या करा, उसने अपने डीपेस्ट सीक्रेट को इन सिंपल माउंटेन पीपल के साथ शेयर करा। द यंग मैन सीक्रेट वॉज द ही वॉज एम्बिशियस। तो यंग मैन का सीक्रेट क्या था कि वो काफी एम्बिशियस था। ही डिड नॉट नो वॉट ही वॉन्टेड टू डू विद हिज लाइफ येट, बट He did know that he did not want to be forgotten after he had died. बच्चा यंग मैन जो था उसने अपना ये सीक्रेट शेयर करा कि उसे ये नहीं पता कि उसे अपने जिंदगी में क्या करना है, क्या वो क्या चाहता है अपनी जिंदगी से, बट उसे इतना पता है कि वो जो भी चाहता है वो अपने मरने के बाद वो उन्हें भूलना नहीं चाहता, मतलब जो भी लोग याद रखें वो नहीं चाहता कि वो उन्हें भूल जाए। He believed that sometime during his life he would become famous and be admired by thousands of people. पर उसे इतना भरोसा था कि कभी ना कभी वो ऐसा इंसान जरूर बनेगा, फेमस जरूर होएगा कि थाउजेंड ऑफ पीपल उसे एडमायर करेंगे। सो फार द यंग मैन सैड, आई हैव डन नथिंग। इफ आई डिसअपीयर टुमारो फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ नो वन वुड नो एनीथिंग अबाउट मी। तभी यंग मैन कहता है, जितना मुझे पता है कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, अगर मैं कल को गायब भी हो जाऊं इस धरती से तो कोई, मतलब किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा।
No one would ask who he was. Where did he go? But I cannot die until I have reached my destiny. Then let that come. I will have built my monument. तभी वो कहता है कि किसी को नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, but मैं कहाँ गया हूँ किसी को कुछ नहीं पता होगा. अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं मरना तब तक नहीं चाहता जब तक कि मैं अपनी डेस्टिनी तक ना पहुंच जाऊं, और तब तक मैं कुछ बन ना जाऊं या फिर मैं अपना कोई मॉन्यूमेंट बिल्ड ना कर लूं. द यंग मैन पावरफुल इमोशन टच द फैमिलीज, दे स्माइल. यू लाफ एट मी, द यंग मैन आस्क. The young man said, taking the oldest daughter hand, you think my ambition is silly? तभी बच्चों जो young man था वो क्या करता है, वो अपनी emotions तो रख देता है, पूरी family smile करने लगती है. That's the decent smile they did. तभी young man कहता है कि तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो. तो जो oldest daughter है वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरा ambition silly है. She was very shy and her face become pink with embarrassment. It is better to sit here by the fire, she whispered, and be happy even if nobody thinks of us. तभी वो बहुत ज्यादा shy होती है और उसका जो face होता है वो pink हो जाता है embarrassment के कारण, but वो इतना कहती है कि यहाँ पे बैठना ही बेटर होगा आपके पास. वो ऐसा विस्पर करती है और कहती है कि हमें खुश होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता है. हर फादर स्टेयर्ड इनटू द फायर. आई थिंक देयर इज समथिंग नेचुरल इन व्हाट द यंग मैन सेज एंड हिज वर्ड्स हैव मेड मी थिंक अबाउट आवर ओन लाइव्स. तभी बच्चों जो उसके पापा हैं वो क्या करते हैं, फायर की तरफ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल है कि मतलब जो भी यंग मैन ने कहा उसके जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं. इट वुड हैव बीन नाइस इफ वी हैड अ लिटिल फार्म डाउन इन द वैली सम प्लेस वेयर वी कुड सी आर माउंटेन्स विदाउट बीइंग अफ्रेड दे वुड फॉल ऑन आर हेड्स. उसने बोला कि अच्छा होगा कि हमारा कोई एक छोटा सा फार्म होता जहाँ मतलब वैली के डाउन में, और जहां से हम अपने माउंटेन्स को देख सकते बिना किसी फेयर के कि वो हमारे सर पर आके गिर जाएंगे. ऑल आर नेबर्स वुड हैव रिस्पेक्टेड मी. मोर ओवर व्हेन आई हैड ग्रोन ओल्ड आई वुड डाई हैप्पी इन माई बेड. यू वुड पुट अ स्टोन ओवर माई ग्रेव सो एवरीवन वुड नो आई लिव्ड एन ऑनेस्ट लाइफ. यू सी द यंग मैन क्राइड आउट इट इज इन आवर नेचर टू वॉन्ट अ मॉन्यूमेंट. सम वॉन्ट ओनली स्टोन ऑन देयर ग्रेव, अदर्स वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स मेमोरी, बट वी ऑल वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर वी डाई. जब उसके पापा ये सब बता रहे होते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मतलब ग्रेव पे ये ऐसा स्टोन लगाना, तो वो कहता है यंग मैन तुमने देखा कि हमारे नेचर में है कि हम सबका कोई मॉन्यूमेंट हो. हम सब जैसे आप चाहते हो कि some want only stone in their grave, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी ग्रेव पर सिर्फ स्टोन हो, ऐसे ही अदर लोग चाहते हैं कि वो किसी की मेमोरी में हो, बट हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम याद रखे जाए जब हम मर जाए. द यंग मैन थ्रू सम मोर वुड ऑन द फायर टू चेज अवे द डार्कनेस. तभी जो यंग मैन होता है वो थोड़ी सी लकड़ियां और डालता है फायर में. द फायर लाइट फेल ऑन द लाइट ग्रुप अराउंड द फायर प्लेस. द फादर स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड द मदर्स जेंटल स्माइल इट टच द यंग मैन्स प्राउड फेस एंड द डॉटर्स शाय वन. इट वॉर्म्ड द ओल्ड ग्रैंड मदर स्टिल निटिंग इन द कॉर्नर. शी लुक्ड अप फ्रॉम हर निटिंग एंड विद हर फिंगर्स स्टिल मूविंग द नीडल्स शी सेड ओल्ड पीपल हैव देयर सीक्रेट्स जस्ट एज यंग पीपल डू. तभी बच्चों मतलब सब काफी ज्यादा खुश होते हैं. वो सबको देखता है और जो ओल्ड वुमेन होती है वो अपने कपड़े बुनी रही होती है, वो ऊपर देखती है, बुनते बुनते ही ऊपर देखती है और वो कहती है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके भी सीक्रेट होते हैं जैसे कि यंग पीपल के होते हैं. द ओल्ड वुमेन सैड शी हैड मेड हर फ्यूनरल क्लॉथ सम ईयर्स अर्लियर. तभी जो ओल्ड मैन होती है वो कहती है कि मैंने अपने फ्यूनरल क्लॉथ कुछ साल पहले ही बनवा लिए हैं. दे वर द फाइनेस्ट क्लॉथ शी हैड मेड सिंस हर वेडिंग ड्रेस. शी सैड हर सीक्रेट वॉज अ फियर दैट शी वुड नॉट बी बरीड इन हर बेस्ट क्लॉथ. तो बच्चों उसने कहा कि उसका डर क्या है, उसका डर ये है कि वो जब मरेगी तो उसके जो बरी किया जाएगा वो अपने बेस्ट क्लॉथ में उस टाइम नहीं होगी. द यंग मैन स्टेयर्ड इनटू द फायर. ओल्ड एंड यंग He said, "We dream of graves and monuments. I wonder how sailors feel when their ship is sinking and they know they will be buried in the wide and nameless grave that is the ocean." तभी यंग मैन जो आपको देख रहा होता है वो कहता है ओल्ड एंड यंग, पर हमारे पास हमारे सपने हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे ग्रेव्स के ड्रीम हैं, बट मैं सोचता हूँ कि वो सेलर्स जो कि डूब जाते होंगे जिनकी शिप के साथ,
वो क्या सोचते होंगे, वो उन्होंने जरा सोचा होगा कि वो कैसे बरीड होंगे एक वाइल्ड और नेमलेस ग्रेव के साथ ओशन में, मतलब कि ना उनके पास स्टोन होगा ना उनके पास नेम प्लेट होगी। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, जब ग्रेव बनाया जाता है तो उनका नाम लिखा जाता है, तो उनके पास नेमलेस ग्रेव होगा जो कि ओशन में प्रेजेंट होगा। अ साउंड राइजिंग लाइक द रोर ऑफ द ओशन सूक द हाउस, यंग एंड ओल्ड एक्सचेंज वन वाइल्ड लुक, देन द सेम वर्ड्स बर्स्ट फ्रॉम ऑल दियर लिप्स, द स्लाइड द स्लाइड। बच्चों तभी वहां पे क्या होता है, बहुत ओशन का रोल की आवाज आती है और जो कि पूरे घर को हिला के दे हिला देती है। जो यंग और ओल्ड होते हैं वो एक दूसरे को वाइल्ड लुक देते हैं, मतलब काफी डरा हुआ, और उनके लिप्स से सिर्फ एक ही आवाज निकली है, द स्लाइड द स्लाइड। दे रश्ड अवे फ्रॉम द हाउस इन टू द डार्कनेस टू द सीक्रेट स्पॉट द फादर हैड बिल्ट टू प्रोटेक्ट डैम फ्रॉम द माउंटेन स्लाइड। तभी वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो उस जगह चले जाते हैं जहां पर उनके पापा ने एक सीक्रेट स्पॉट बनाया होता है उन सबको स्लाइड से बचने के लिए। द होल साइड ऑफ द माउंटेन कैम रशिंग टूवर्ड्स द हाउस लाइक अ वॉटरफॉल ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट जस्ट बिफोर इन रीच द लिटल हाउस द वेव ऑफ अर्थ डिवाइडेड इंटू टू एंड वेंट अराउंड द फैमिलीज होम। एवरी वन एंड एवरी thing in the path of the terrible slide was destroyed except the little house. The next morning smoke was seen coming from the chimney of the house on mountain. तभी बच्चों जब वो बहुत सारी स्लाइड्स गिर रही होती हैं, तो ऐसा मतलब एक तरीके से आप मिरेकल समझ लो कि वो सब हट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पर वो घर ही बच जाता है। इनसाइड द फायर वॉज स्टिल बर्निंग, और बच्चों जो घर की चिमनी से धुआं अभी भी निकल रहा होता है, क्योंकि जो घर है घर के अंदर जो फायर है वो अभी भी जल रही होती है। The chair was still drawn up in a half circle around the fireplace. It looked as if the family had just gone out for a walk. मतलब सब कुछ वैसा का वैसा ही था, ऐसा लग रहा था कि जो फैमिली यहाँ पे थी वो बस वॉक के लिए बाहर गई है। Some people thought that a stranger had been with the family on that terrible night, but no one ever discovered who the stronger was. His name and way of life remained mystery. मिस्ट्री, हिज बॉडी वॉज नेवर फाउंड। अब बच्चों जो मतलब वहां पे जो चीजें हुई थी वहां पे क्या थी, वो अभी भी मिस्ट्री की मिस्ट्री ही रह गई। किसी को नहीं पता कि वो स्ट्रेंजर कौन था, और उसकी बॉडी कभी भी आज तक नहीं मिली। सो बच्चों ये थी आपकी कहानी इस चैप्टर में। आई होप आप सबको काफी मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।